Assalamualaikum guys, it's me GM again, एक brand new video में सभी को welcome. तो भाई आज मैं आप लोगों को Mag 7 यानी कि टुस टुस की गेम प्ले दिखाने वाले हूँ कि किस तरीके से हमने रीजन के टॉप प्लेयर्स को इस गेम के अंदर मारा है, वो भी Mag 7 यानी टुस टुस से, और किस लेवल के ऊपर आपके भाई ने Mag 7 से गेम प्ले करी है. तो एंड तक देखना है. टिकटॉक पे देख रहे हो तो हमेशा की तरह लाइक एंड रिपोस्ट, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है. उतरे थे हमेशा की तरह पीक के ऊपर क्योंकि पीक अपना फेवरेट अड्डा है. एक बंदा, अबे इसको कितने शॉट पड़े हैं. ओ गया हसन एक्स बाबा यहाँ पे, जिसको हम लोगों ने पहला भाई किल कंफर्म कर रहा है, जिसको मार के. ऊपर की साइड एक और बंदा है, वो भी थोड़ा सा डैमेज है, ज्यादा तो नहीं. यहाँ पे एक किल कंफर्म हुआ है, अपने भी टीममेट एक मर चुका है. भाई रीजन की टॉप लॉबी, और अगर आपका टीममेट शुरू में मर जाए तो उसको रिवाइव करना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि हर बंदा भाई या तो शॉप के आसपास होता है या फिर गाड़ी पकड़ी होती है और कहीं से भी आपको मार सकता है. तो इस गेम में अपने साथ है स्कल 444, जिनको भाई हम लोगों ने सर्वाइव का मौका दिया है, और उनके साथ मिस्टर लेजेंड. ये दो बंदे अपने लिए सर्वाइव करने वाले ये गेम, और देखते हैं क्या ये एंड तक सर्वाइव कर पाते हैं. वैसे मरेंगे नहीं क्योंकि Mag 7 टुस टुस बहुत खतरनाक गन है, लेकिन फिर भी हो जाता है कि एक दो दफा बंदा मार ही जाता है. ओके जट 77 नॉक है, एक और बंदा भी है, और ये गया भाई. जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये गन बहुत खतरनाक है, और ये हो गई और मौसा ट्रक. ये जो पहला बंदा मारा है ना, ये तकरीबन रीजन कर चुका है रीजन टॉप 1 शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. आप लोगों ने कंफर्म करना है कि ये वही बंदा है, क्योंकि इससे पहले एक दो सीजन ये बंदा रीजन टॉप 1 पे था शायद से, ये वही है मुझे लग रहा था. एक और बंदा आ रहा है, और गया भाई साहब. पावर चेक कर रहे हो टुस टुस की. इसके साथ ही हम लोगों ने Mag 7 टुस टुस से यहाँ पे 4 किल अपने कंफर्म कर लिए, और तगड़े प्लेयर्स को मारा है. ये फर्स्ट डे का गेम है, अगर आप लोग ये सेकंड डे देख रहे हो तो भाई अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और इसको बनाने में, क्योंकि पहले दिन तो हम लोगों ने सिर्फ गेम खेल लिए. ओके भाई, जिस बंदे को हम लोगों ने पहले मारा है वो रिवाइव के सर के ऊपर लैंड करके आ रहा है. अच्छा डैमेज इसको M4A1 ट्रिपल चिप से दिया है, और इसके ऊपर रश करेंगे. किसी भी सूरत इसको छोड़ने वाले नहीं है. इसको पावर दिखाएंगे कि आज Mag 7 टुस टुस जब GM के पास हो कैसे चलती है. अच्छा डैमेज, मरा नहीं भाई ये बंदा, बहुत भाग रहा है, बहुत गंदे वाला. पकड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं है इसको भी. ओए ये बंदा भाई चकमा देके भाग रहा था भाई, मुझे लगा सामने की साइड है लेकिन ये इधर ही था. तो इसके साथ हमारे किल्स की तादाद हो चुकी है 5 और 38 प्लस से लाए हुए. ग्रैंड मास्टर रीजन टॉप 1 की लॉबी तो भाई यही होता है कि एंड जोन तक आप लोगों को 30 से 35 बुए बंदे देखने को मिलते हैं. पीक वाली साइड हम लोगों ने कंफर्म कर लिए, तो नीचे चलते हैं, और सामने एक बंदा वही रिवाइव होके आया जिसको हम लोग पीक से अभी मार के आए हैं. भीमा शक्ति की साइड बहुत सारे बंदे, एक बंदा सामने की साइड, भाई झोपड़ी की साइड है, इसको 2-3 शॉट पड़े हैं. ओए अच्छा शॉट, बट फिर भी नॉक नहीं हुआ. तो नीचे की साइड चलते हैं और भाई देखते हैं कि कौन है इतना भाई जिसकी स्किल हमसे भी ज्यादा ओवर पावर है और हमको मार सकता है. अभी चांसेस नहीं है क्योंकि वेस्ट और हेलमेट अच्छा है अपने पास, और 3 चिप गन भी है. ओहो इसको बताओ भाई पापा की परी. नहीं 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 नहीं, पापा की परी नहीं है, कुछ और ही लिखा है इसने, पापा की शेर नहीं. अरे क्या बात है, तो इसको हमने कंफर्म किया है. एक और 444, या लो जी वाइट 444 के भी हम लोगों ने यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दिया है. ये है भाई Mag 7 की पावर, ये बात जी. हम भाई सामने एक बंदा, भाई इसको पता नहीं है मेरे पास टुस टुस है, और टुस टुस से जितना दूर रह सकते हो रहो, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके पास भी वही गन है जो अपने पास ही है, क्योंकि लग रहा था कि ये भी Mag 7 टुस टुस ही चला रहा है. टुस टुस का मुकाबला नहीं है भाई, अगर आपके पास स्किन नहीं भी है तो भी ये गन बहुत अच्छा चलता है. कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं भाई गन स्किन हो तो फिर चलती है, नहीं भाई गन स्किन के बगैर भी बहुत अच्छी चलती है. किधर गया ये बंदे ने बहुत चकमा दिया था वैसे इस टाइम के ऊपर, मैंने कहा लूट कर लें, बट बाहर की साइड से ऊपर बंदे मार रहे थे. ये बंदा पागल है भाई, क्या दिमाग होगा, काम नहीं करता भाई, अकेला रहता है. जा भाई बंदों को रिवाइव वगैरह करा, यहीं छुप के बैठा है. अच्छा मेरे पास टोकन थे तो इसकी आड़ में बैठा था कि इसको मार के टीममेट्स को रिवाइव कराऊंगा, बट इसको पता नहीं है गलत बंदे पे रश नहीं करना, और सामने वाला प्लेयर हैकर है, हैकर स्किल बेस है ना के पैनल वाला. ये लो भाई, लो पैनल यूजर आ गया भाई, पैनल यूजर का नाम लो, पैनल यूजर हाजिर है सर जी. वो AA वाला पैनल यूजर आ गया भाई, क्या कर रहा है वो बंदा.
कोई ना, हम लोगों को टीममेट्स रिवाइव करेगा और पैनल यूजर आएगा यकीन मैंने बुआ, तो फिर वही लेके जाएगा। बट कोई ना, यहाँ पे चेक करो, अभी 8 किल तो हम लोगों ने डन कर लिए हैं और पैनल यूजर सिर्फ एक ही दफा मिला है। ओके गाइस, रिवाइव होके लूट वगैरह कर लिए, स्कार हम लोगों ने लिए, और जो अपडेट के बाद टोकन ना मिलते हैं 3000 या 2000 के ऊपर बॉक्स अनलॉक हो जाता है, तो वहां से हम लोगों ने स्कार मैक्स पकड़ी है। बाकी मेडिवेट एक ही थी अभी तक। सामने एक बंदा 108 का अच्छा शॉट और गया भाई। स्कार जब वो दूर रहना है, स्कार और MP40 और ठुस ठुस तो आज हम चला रहे हैं वैसे भी, लेकिन अभी नहीं है। 8 किल हम लोगों ने ठुस ठुस से जरूर कर लिए थे। एक और बंदा गया। जैसे कि मैंने बोला था भाई, स्कार जब आपके भाई के पास हो, जितना आप लोग दूर रह सकते हो रहा करो, क्योंकि बहुत खतरनाक है। तो इसके साथ हम लोगों ने गैस 10 किल यहाँ पे अपने डन कर लिए, 19 बंदे अलाइव हैं और अभी भी लॉबी बहुत ज्यादा बचा हुआ है। एक बंदा लैंड होके आ रहा है, एक शॉट पड़ा है और ये गया, हसन एक्स बाबा, और इसको हम लोगों ने दूसरी दफा मारा है। पहले इसको हम लोगों ने MAG 7 ठूस ठूस से मारा था और अब इसे प्राफिल से मारा है। ओके गैस, यहाँ पे लास्ट जोन है और 10 बंदे अलाइव हैं, 11 खेल अपने पास डन है। यहाँ पे मैं टीममेट को गाइड कर रहा था, भाई मिस्टर लेजेंड तूने किसी भी सूरत फाइट नहीं लेनी, हम लोग ये गेम बुया कर लेंगे। सामने की साइड एक बंदा नॉक है, लेकिन हम लोगों ने उसका किल ले लिया, तो 12 किल डन। और इसको ये बोल रहा था, भाई किसी भी सूरत तूने फाइट नहीं लेनी, फाइट मैं लूंगा, तूने सिर्फ ट्रीटमेंट गन से मुझे थोड़ा सा ट्रीट देना है। लेकिन इस बंदे ने एक ऐसी गलती करी जिसकी वजह से ये गेम बुआ हुआ है कि नहीं, वो आप लोगों ने देखना है एंड तक। ओके, सामने किसी साइड से बंदा लॉन्च पैड यूज करके आया है, बट बच गया। एक और आया है, 2 शॉट पड़े उसको, तकरीबन 160-170 का डैमेज है उसको। और ये गया, 3 शॉट और इनका स्क्वाड आई थिंक कन्फर्म हो गया। टोटल 2 बंदे बचे हैं और 2 ही हम लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे ना लूट के नाम पे टोटल हमारे पास सिर्फ यही गने थी, इसमें एमओ थी तकरीबन 10-10, 15-15 और ग्लूवल वगैरह टोटल एक एक ही थी। तो भाई यहाँ तक वेट कर रहे हैं और स्किल यूज करके थोड़ा सा आगे गए ग्लू डाल के, ताकि वो बंदे सामने आए तो उनको आराम से मार सकें। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं बोलूंगा, टीममेट को बहुत ज्यादा गाइड करने के बाद उसने मिस्टेक करी है, जिसकी वजह से आपका भाई ये बुया मिस कर गया है लास्ट मोमेंट के ऊपर, वरना ये बुया अपना ही था। इस बंदे ने भाई जाके फिर वही 10 दफा इसको बोले रश नहीं करना, और इस बंदे ने रश जाके करा है, इस वजह से ये गेम बुआ नहीं हो पाई। भाई लिटरली सामने वाले बंदों के पास जो गंद था इन्होंने डाल दिया भाई, क्या ग्रहण कोया कुछ, हर बिल्ला इसने डाल दिया भाई, कुछ नहीं छोड़ा। ये ले जी, टीममेट नॉक हो चुका है। अच्छा बॉडी स्प्रे, उसको भी अच्छा शॉट लगा है। और ये गया भाई भुया, उसके पास MAG 7 अपनी ठुस ठुस थी, ठुस ठुस से अच्छे किल निकाले थे, लेकिन एट द एंड भाई लड़की मार गया ठुस ठुस से।